जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है और इसमें हमारा एरर 4C का आ रहा है, जो कि आज हम इसको ही करने वाले हैं सॉल्व। तो अभी आप देख रहे हैं, ये हमने मशीन को ऑन कर दिया है, लेकिन अभी ये हमारा जो है स्पिन कैटेगरी पे घूमेगा, क्योंकि इसमें से पहला प्रोसेस होता है पानी निकालने का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा ड्रम घूम के रुक गया है और वापस रुक जा रहा है। ये हमारा पानी लेने का प्रक्रिया शुरू हो गया है, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद ये हमारा जो है 4C का एरर आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम पीछे का ढक्कन खोल लेते हैं। ये हमने ढक्कन खोल ली पीछे का। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा सेंसर है जो वाटर लेवल सेंसर है, इसको हम ओपन कर देते हैं और इसको करने वाले हैं चेंज, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट यहाँ से ही आता है। और सबसे पहले मैं बता दूँ, इसका 4C का जो एरर है वो वाटर लेवल का प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से आता है। मान लीजिए अगर आपके पानी का फोर्स कम है तो भी 4C का एरर आता ही है। तो हमारा पानी का प्रेशर तो हाई है, लेकिन फिर भी 4C का एरर आ रहा है। तो सबसे पहले हम वाटर लेवल सेंसर चेंज कर देंगे, और ख़ास कर ध्यान रहे, ये जो पिन है ना, ये इसको बड़ा ही संभाल के रखना है, क्योंकि अगर ये गायब हो गया तो हमारा प्रेशर पाइप का जो कनेक्टिंग है वो ढीला रह जाएगा। ये हमने नया प्रेशर स्विच डाल दिया है, और ये हमारा जो प्रेशर स्विच है वो कंप्लीट हो गया है। अब नीचे का जो पाइप है इसको भी लगा लेते हैं, क्योंकि बिना पाइप लगा के हमारा प्रेशर सेंसर काम नहीं करेगा। और अब हम इसको लॉक को लगा लेते हैं। बिना लॉक लगाए कोई भी काम ना करें, क्योंकि लॉक लगा लेने से हमारा काम बेहतर हो जाता है और अच्छी तरीके से हो जाता है, और यहाँ से कोई एयर लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आता है, जिससे हमारा सेंसर बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो प्रेशर सेंसर का वायर पाइप है, इसको अच्छे से कनेक्ट करना है। और जब कनेक्ट कर देते हैं आप पूरी अच्छी तरीके से, उसके बाद उसके ऊपर एक क्लिप लगा देना है, क्योंकि क्लिप लगाने से हमारा बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब हमारा मशीन वाइब्रेट करता है तो ये निकलता नहीं है और एयर भी लीकेज नहीं होता। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको करने वाले हैं चेक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको साइड का पीछे, उसके बाद चेक करके आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा मशीन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा प्रेशर सेंसर भी कनेक्ट हो गया है। अब आगे के साइड आते हैं, अब मशीन को करते हैं स्टार्ट, और ये हमने कर दिया है। अब हमारा पानी लेने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हम फास्ट कर दे रहे हैं थोड़ा, और ये आप देख रहे हैं पानी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आजकल हमको पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा 48 मिनट का जो प्रोसेस है वो बता रहा है। और अब हमने ये डाला है सेंसर, जो कि आप देख रहे हैं इसका प्रॉब्लम था, ये रेडी हो कर दिया हमने। और ये हमारा 46 मिनट पे आ गया है, जो कि पानी का लेवल स्तर है वो भर गया है, एक लेवल पे रखा था। हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें 4C का एरर जो है ज़्यादातर यहाँ से ही आता है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। अगर जो हमारा ये जानकारी आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी नॉलेज मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।